हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त शुभम आपके अपने यूट्यूब टेक इंटरव्यू प्रिपरेशन में स्वागत करता हूं। बिना समय गवाए आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे फैक्टोरियल प्रिंट कराया जाता है दोस्तों, जो इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है दोस्तों। चलिए हम आपको अपने इंटेल आईजे के स्क्रीन पर ले चलते हैं दोस्तों। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे फैक्टोरियल प्रिंट कराया जाता है दोस्तों। सबसे पहले मैंने नंबर ले लिया, नम इज इक्वल टू 4, फैक्ट इज इक्वल टू 1, इफ नम इज इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे जो नम है उज लेस देन 0 होगा तो हम प्रिंट कराएंगे कि जो फैक्टोरियल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों जब कोई निगेटिव नंबर होता है तो उसका फैक्टोरियल नहीं होता है दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल इज नॉट पॉसिबल, देन दोस्तों अब हमसे पूछेंगे कि व्हाट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू द नंबर यू आस्क फॉर फैक्टोरियल, इट इज डिनोटेड बाई एन एक्सक्लामेशन साइन। दोस्तों जो फैक्टोरियल होता है वह नॉन निगेटिव इंटीजर होता है दोस्तों, और ये लगभग ऑल पॉजिटिव इंटीजर जो होता है दोस्तों उसका होता है दोस्तों। अब एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 डॉट 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है दोस्तों। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 24 दोस्तों, तो 4 का फैक्टोरियल 24 होता है दोस्तों। तो दोस्तों यही लॉजिक है इसमें प्रिंट कराने के लिए। तो दोस्तों आइए हम लिखते हैं कि इलिफ नम इज इक्वल टू 0 प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ 0 इज ऑलवेज 1। दोस्तों हम एल्स लगाएंगे, एल्स फॉर आई इन रेंज 1 2 नम प्लस 1 देन दोस्तों अब हम लिखेंगे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। अब हम प्रिंट कराएंगे दोस्तों, हम फॉर के नीचे प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ ऑफ नम दोस्तों, नम जो दोस्तों नम है हम इसे कोटेशन के बाहर लिखेंगे दोस्तों, नम इज फैक्ट दोस्तों। अब हम इसे प्रिंट करा देंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों बिल्कुल सही दोस्तों, 4 इज इक्वल टू 24 दोस्तों बिल्कुल सही आया दोस्तों, क्योंकि इसमें जब हमें नंबर दिया हुआ है तब आया दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हम बिना जब हम कोई नंबर यूजर से इनपुट कराएंगे और साथ साथ हम आपको कंडीशनल लूप लगा के बताएंगे, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर लूप लगा के दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यूजिंग फॉर लूप, तो प्रिंट फैक्टोरियल यूजिंग फॉर लूप प्रिंट फैक्टोरियल दोस्तों। अब हम नंबर इंटर कराएंगे दोस्तों, नम इज इक्वल टू इंट इनपुट दोस्तों, टाइप कास्टिंग हमने कर दिया, इंट इनपुट इंटर अ नंबर दोस्तों। अब हम देखेंगे फैक्ट इज इक्वल टू 1 एंड दोस्तों आई इज इक्वल टू दोस्तों अब हम फॉर लगा दिया है, फॉर आई इन रेंज हम चलाएंगे 1 2 नंबर प्लस 1 दोस्तों। अब हम लिखेंगे फैक्ट इज इक्वल टू
फैक्ट इनटू आई। दोस्तों अब हम इसे प्रिंट कराएंगे, लिखेंगे दोस्तों वही सिमिलर, फैक्टोरियल ऑफ नंबर नम इज फैक्ट। दोस्तों देखिएगा, फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज फैक्ट। दोस्तों अब हम प्रिंट करा के देखते हैं दोस्तों क्या आंसर आता है। दोस्तों ओहो दोस्तों हमने इसे कमेंट नहीं किया हुआ था दोस्तों, इसे हम कमेंट कर देते हैं दोस्तों, देन हम रन कराएंगे। दोस्तों अब हम रन करा के देखते हैं, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल सही नंबर इंटर कराने के लिए आया दोस्तों। देखिए हमने 4 इंटर कराया, 4 का फैक्टोरियल 24 आ गया दोस्तों। ओहो दोस्तों मैंने ओ एस लिख दिया था दोस्तों, ऑफ होगा। दोस्तों हम फिर से रन कराते हैं, अब हम इंटर कराते हैं 25। दोस्तों देखिए ये 25 का फैक्टोरियल है दोस्तों, हम अब इंटर कराते हैं 5। दोस्तों देखिए हम रन कराते हैं और इंटर कराया 5, और इसका फैक्टोरियल आ गया 120। दोस्तों ये है यूजिंग फॉर लूप। दोस्तों अब हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे हम व्हाइल लूप का यूज़ करके फैक्टोरियल प्रिंट करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए दोस्तों जो फैक्टोरियल का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो जैसे कि मैंने 5 इंटरनली जो 5 इज इक्वल टू 120 आया है, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120। दोस्तों जो हम आपको सबसे पहले रूल बताया था दोस्तों, जो n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है दोस्तों, सिमिलर ही ये रूल वहाँ पे लगाया दोस्तों। अब इसे हम कमेंट कर देते हैं दोस्तों, ये देखिए हमने कमेंट कर दिया। अब हम आपको चल रहे हैं बताने यूजिंग व्हाइल लूप दोस्तों। दोस्तों कैसे हम व्हाइल लूप का यूज़ करके हम फैक्टोरियल प्रिंट करा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, व्हाइल लूप एक कंडीशनल बेस्ड लूप है दोस्तों। तो चलिए नम हमें प्रिंट किया, लिखा है नम इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर दोस्तों। अब हम लिखेंगे फैक्ट इज इक्वल टू 1। हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू 1, देन व्हाइल आई इज लेस देन नम, नम दोस्तों आई लेस देन आर इक्वल टू नम, दोस्तों हम फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई करेंगे दोस्तों। अब हम आई को दोस्तों साथ साथ आई को हम बढ़ाएंगे भी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगा दोस्तों, हमें आई को बढ़ाना भी होगा जिससे कि हम इसका प्रिंट का यूज़ कर सके दोस्तों, हम प्रिंट करा सके नंबर को। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पाइथन में आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इसे पाइथन सपोर्ट नहीं करता। आप इसे सी जावा सी प्लस प्लस देखा होगा, लेकिन पाइथन इसे सपोर्ट नहीं करता दोस्तों। पाइथन में इसके लिखने का एक दो तरीके होते हैं दोस्तों, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 और एक आई प्लस इज इक्वल टू 1 दोस्तों, ये दोनों तरीके पाइथन में चलते हैं, लेकिन आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस दोनों ही पाइथन में सपोर्टेड नहीं है दोस्तों। तो ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा इंटरव्यूअर इसे पूछता जरूर है दोस्तों। अब हम लिखेंगे दोस्तों प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ नम इज, दोस्तों हम फिर से प्रिंट करा देंगे, नम इज फैक्ट एफएलसीटी, देन दोस्तों हम इसे रन करा के देखते हैं दोस्तों क्या हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन कर रहा है दोस्तों। हमने इंटर कराया 5 120, बिल्कुल सही दोस्तों, हमारे प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है दोस्तों, हम सही लिख रहे हैं दोस्तों प्रोग्राम। दोस्तों अब हम इसका इसे फैक्टोरियल को प्रिंट कराने का कई तरीकों में एक तरीका और भी है दोस्तों, यूजिंग रिकर्शन। दोस्तों अब हम ये सारे कमेंट कर देते हैं। दोस्तों हमने आपको 3 तरीके बताए, पहला तरीका जब नंबर न दिया हो
इफ और एल्स का यूज करके हमने आपको फैक्टोरियल प्रिंट कराना बताया। दूसरा दोस्तों, हमने यूजिंग फॉर लूप आपको फैक्टोरियल प्रिंट कराना सिखाया दोस्तों। और तीसरा दोस्तों, इसी के साथ साथ मैंने आपको व्हाइल लूप का यूज करके फैक्टोरियल प्रिंट कराना सिखाया दोस्तों। और इसी दोस्तों, हमने आपको तीन तरीके पहले बता दिए थे, फॉर, इफ एल्स, व्हाइल। दोस्तों अब मैं आपको तीसरा तरीका बताने जा रहा हूँ, वो है रिकर्शन। दोस्तों ये मोस्टली कॉमन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों। ये देखिए, मैं आपको रिकर्शन के विषय में बताने जा रहा हूँ, यूजिंग रिकर्शन। दोस्तों RETION रिकर्शन इंटर, हाँ दोस्तों हम कोई फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं डेफ। दोस्तों हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं दोस्तों। दोस्तों वो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज रिकर्शन। रिकर्शन जो होता है वो फंक्शन को खुद ही कॉल कर लेता है दोस्तों। हम रिकर्शन उसे बोलते हैं जो कॉल इटसेल्फ होता है दोस्तों, जो फंक्शन को खुद ही कॉल कर लेता है। दोस्तों हमने डिफाइन किया डेफ इज इक्वल टू फैक्ट यन, रिटर्न हमने कराया वन इफ यन इक्वल टू वन और यन इक्वल टू जीरो, एल्स यन इंटू फैक्ट यन माइनस वन। दोस्तों अब हम लिखेंगे कि नम इज इक्वल टू फोर, हमने प्रिंट करा दिया दोस्तों। फैक्टोरियल ऑफ नम इज, फैक्टोरियल इज नम कॉमा लगाया दोस्तों, हमने इज, अब हम फिर कॉमा लगाएंगे फैक्ट, अब हम इसमें पास करेंगे दोस्तों नंबर नम फोर, अब इसमें पास कर देंगे फोर दोस्तों, इसे रन कराया। देखिए दोस्तों द नंबर फोर इज 24, बिल्कुल सही दोस्तों। हमने आपको चार तरीके बता दिए हैं दोस्तों। ओहो बैटरी इज लो, सॉरी दोस्तों आपके इंटरप्ट इटरेट के लिए दोस्तों। अब मैंने आपको ये चार तरीके बता दिए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये चारों तरीके पसंद आए हों तो आप इन चारों तरीकों को अच्छे से दोस्तों समझ लें, क्योंकि ये मोस्टली कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और ये मोस्टली कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों। दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, एक यूजिंग रिकर्शन एंड नॉन रिकर्शन, आप फैक्टोरियल कैसे प्रिंट करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और अगर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मुझे बताना चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक और शेयर मुझे मोटिवेट करता है दोस्तों। दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको आगे ऐसी वीडियो ज़रूर मिलती रहेंगी दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम आपको धन्यवाद देता हूँ।